कोई उसकी रक्षा नहीं कर सकता। यदि वो गोकुल में ही है तो लगता है जो कार्य पूतना नहीं कर पाई वो कार्य पूरा करने के लिए स्वामी ने किसी योद्धा को खोज लिया है। भीतर आओ। इनकी बुद्धि इतनी तीव्र है जो कठिन से कठिन पहेली को भी अद्भुत सूक्ष्मता से अध्ययन करके सुलझा दे। जिनकी बुद्धि की विशेषता समस्त जगत में उनका नाम और उनकी पहचान बन गई है वो हैं ये सूक्ष्म बुद्धि श्रीधर। सूक्ष्म बुद्धि श्रीधर। ये रहा घर, अंततः पहुंच ही गए। अरे मूर्खो, मार क्यों रोक रहे हो? हट जाओ वरना भस्म कर दूंगा तुम्हें। तनिक ठहरिए महाराज, बिना पूछे मुंह उठा अंदर चले आ रहे हैं। हमें रोक रहे हो? अरे जानते भी हो कौन है हम? ना, नहीं जानते। और जानने की आवश्यकता भी क्या है? हैं? और जान भी लें तब भी हम आपको भीतर ना जाने देंगे। बुक्का है ना, आदेश नहीं है। इसलिए महाराज आपसे निवेदन है, जय मार्ग से आप वापस लौट जाओ। पीछे चले जाए? नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। इसे खोलो, खोलो इसे। हैं? तुम जानते भी हो किसका अपमान कर रहे हो? मूर्खो, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। श्रीधर महाराज है हम। ए, कौन महाराज? कहां महाराज? चलो भागो उधर। अच्छा, कौन महाराज? कहाँ के महाराज? अब तो तुम्हारी रानी यशोदा बताएंगी कि हम जो हैं परम पूज्य पुजारी, जिनके जिनके जिनकी आराधना उनके पिता श्री भारूगिरी, उनकी माता जी पद्मावती जी करती हैं। उन श्रीधर महाराज का घोर अपमान किया है तुम दोनों ने, घोर अपमान। यशोदा, तुम जानती हो ना? ना, किंतु लगतो है जे मेरे माँ बाबा को जानते हैं। मेरे मायके की ओर से आए हैं जे श्रीधर महाराज। अरे मेरी भोली मैया, ढोंगी महाराज है ये, असुर है। जो भी हो, जाओ चलो। अरे किंतु, अरे बोलने दो इन्हें। बेटी यशोदा, हम श्रीधर महाराज आपके माता पिता के करीबी परिचित हैं। हम तो तुम्हारे पुत्र के दर्शन करने आए थे। और हाँ, ये अखंड पूजा का प्रसाद भी देना था। कई पखवाड़ों से मैं ये पूजा कर रहा था तुम्हारे पुत्र के स्वस्थ जन्म के लिए। ये प्रसाद मुझे दे दीजिए। नहीं, यही प्रसाद दे दिया तो ये यहीं से भेज देगा मुझे। बुद्धि लगाओ सूक्ष्म बुद्धि, इससे पूर्व की खेल बिगड़ जाए। शीघ्र ही कोई उपाय निकालो। अरे आप काहे कष्ट कर रहे हैं श्रीमान, हम आते आप। महाराज ठीक तो है? आपको ज्यादा अधिक हमें धक्का किसने दिया? धक्का? अरे हमने कछु नहीं करो। आपको ज्यादा अधिक चोट तो ना लगी? भैया आप इन्हें भीतर ले चलो। सुधा मर गए। जो आज्ञा तुम गोकुल वासियों को भी ना दी थी वो इन्हें दे रही हो? ये बात तो है, ऐसे कैसे आने दो उन्हें? मर गया। इन्हें चोट लगी है, सहायता तो करनी चाहिए। भीतर आने दो ना। सुधा, कल वो जोगी बाबा को तो भीतर आने दिया था ना। अब ये भोले भाले बूढ़े बाबा मेरे मायके की ओर से आए हैं तो बड़ी समस्या हो रही है आपको। कोई बात नहीं बिटिया, समस्या है तो फिर कभी आ जाएगा। रुक जाओ बाबा, जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो जाता है कहीं ना जा रहे हो आप।
भीतर आ जाइए। जाओ वैद्य जी को लेके आओ, उन्हें कहो शीघ्रता करें। जाओ जाओ जाओ, आओ बाबा। भगवान तुम्हारा भला करे बिटिया, सदा सुखी रहो। अरे ये तो जगा हुआ है, और इसमें ये आभा कैसी है? ये चंद्रमा का प्रभाव है क्या? किंतु चंद्रमा के प्रकाश से केवल बालक ही क्यों चमकेगा? इसके भीतर सच में प्रकाश फूट रहा है या मेरा भ्रम है? ये अभी पता चल जाएगा ढोंगी महाराज, क्या सत्य है और क्या भ्रम। कौन है? कौन है यहाँ? मूषक महाराज, आओ दर्शन कर लो मेरे। बस देखते ही मत रहो, असली मूषक को ढूंढने में मैया की सहायता करो। ये है चोर। ए, यहाँ कहाँ आ रहा है? अगर मेरे लल्ला को सताओ ना तो इतना कूटूंगी कि फिर कभी ना दिखेगा। जो झूठ बोले वो डंडा खाए। समझ आया महाराज? लल्ला, यहाँ आधी रात में तेरी मैया मूसक भगा रही है और तू यहाँ आनंद से खिलखिला रहा है। हाय राम, हाय राम। लल्ला तू जाग रहा है, कहीं वो मूसक तेरे पालना में तो ना घुसो है? हाँ मैया, वो तो मेरे पालने को छू भी नहीं पाया। सुधा क्या हो गए? मूसक है जी। मूसक कहाँ? जी इसके भीतर। यहाँ तो ना है, लगता है चले गए। देखो लल्ला, इतने डंडे मारो है तेरी मैया ने उस मूसक को कि कभी तेरे निकट भी ना फटकेगो। हाँ हाँ लल्ला, तो चिंता मत ही कर, तो चैन से सो जा, सो जा। चिंता तो अब वो करेगा मैया। ये क्या हो रहा है सूक्ष्म बुद्धि, जब से यहाँ आया हूँ कुछ ना कुछ अमंगल ही हो रहा है। तेरी दिव्यता मेरी बुद्धि के पंजे में फंसकर ऐसे फड़फड़ाएगी जैसे वह। फड़फड़ाना बाद में, पहले मेरी रक्षक से तो बच के दिखाओ बुद्धिराज। रुक जा दुष्ट।
इतनी शीघ्र भेद खुल गया क्या मेरा? लगता है आज बेलन से पिटाई होगी। इतनी सी इच्छा? ठीक है, पूरी कर दूंगा। क्या हुआ बाबा, डर गए? जे आपके लिए ना है, जे तो मधुमक्खी के लिए। कब से घूम रहे हो? जाने कहाँ से आ गए? आप ही बताओ, ऐसे कैसे घूमने दूँ? मेरे लल्ला को डंक मार दे तो? हाँ लल्ला, आ सोचो उस मधुमक्खी ने मेरे लल्ला के आसपास घूमेगी और मैया देखती रहेगी। हाँ नहीं तो? झूठ बोला तो मधुमक्खी से भी बुरी दशा हो जाएगी ढोंगी महाराज। बाबा वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हो मेरे लल्ला के पास? वो हम बेटी। अरे हाँ, आप भोजन खाने आए होंगे। हाँ। आज तनिक विलंब होगा बाबा। हाँ। वो जानकी ना आई, जे सब गोपियाँ जमुना जी के तट पर जा रही हैं। हाँ, जमघट करेंगी, सब बेरियाँ तोड़ के खाएंगी इसीलिए। फिर तो बेटी यशोदा तुम्हें भी जाना चाहिए, क्योंकि तुम तो घर से बाहर निकलती ही नहीं हो। सही कहा ढोंगी महाराज, अब मुझे ही कोई लीला रचनी पड़ेगी। नीलमणि, नीलमणि, ओ नीलमणि। तुम सब तो घाट पर जाने वाली थी, गई ना? लल्ला को देखे बिना कैसे चले जाते? और आप भी तो आ रही है हमारे साथ। लल्ला कौन आया है? हाँ, तू बुला रहा था ना, इसलिए हम सबके सब चले आए तुझसे मिलने। मैं कहीं ना जा रही। जा कैसे नहीं रही आप भी चलेगी हमारे साथ जैसे पहले चलती थी? अरे पूछना रही हूँ जशोदा जी, बता रही हूँ। अरे हम भी तो यही कह रहे थे, मतलब जाना चाहिए तुम्हें। मैं भी तो यही कह रही हूँ कि मैं नीलमणि को छोड़ के कहीं ना जा सकती। बेटी यशोदा, मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से तुमने मेरी सेवा ऐसे की है जैसे मेरी अपनी बेटी करती है, तो मुझे भी सेवा का अवसर दो। तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारे उपकार का बोझ लेकर चला जाऊं यहाँ से, और जब मेरा अंत समय आए तो तुम्हारा ऋण चुकाए बिना ही प्राण त्याग दूं। मानो तो भला न मानो तो भला, किंतु सत्य यही है तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है। माँ की ऊर्जा से ही संतान अपनी शक्ति प्राप्त करती है, इसीलिए तुम्हें स्वस्थ और सदा प्रसन्नचित रहना चाहिए। यदि तुम प्रसन्नचित रहोगी तभी तो तुम्हारी संतान भी स्वस्थ और प्रसन्नचित रह सकेगी। जाओ पुत्री। जाओ। सुन लिया जशोदा जी, अब नीलमणि के लिए आपको चलना ही होगा। हाँ। जे है इसका ध्यान रखने के लिए। अरे किंतु बाबा को भोजन भी तो परोसना है। वो हम स्वयं परोस लेंगे। तुम जाओ बिटिया। हाँ हाँ, चलिए जशोदा जी। चलो चलिए आप जशोदा जी, चलिए। कुछ पल के लिए तो मेरी चिंता छोड़ो मैया, और जीवन का आनंद लो, तब तक मैं इनको संभालता हूँ।
नदी का स्नान, अमिया, संसार भूल के मौज में मगन हो जाना, ऐसा लगता है जैसे ये सब तो मैं भूल ही गई थी। आज कितने दिनों बाद वही आनंद फिर से अनुभव करूंगी मैं। क्या समाचार लाए? इस बार कंस ने गोकुल में किसी विकट को भेजा है, और सबसे बुरी बात तो ये है कि वो हमसे पहले यहाँ आ चुका है। पीछे देखो पीछे। ये बेलन अपने आप हवा में कैसे उड़ गया? श्रीधर महाराज, लगाओ आम पे निशाना और दिखा दो कि नीलमणि की मैया हो। ये पत्थर चाहे भी ना तो अभी आपका निशाना चूक ना सके। हाँ जी जी, वरना लल्ला के कहेगा कि मैया ऐसे ही वापस आ गई, एक काम भी ना ले पाई। तो ये बात है तो दो फिर पत्थर, दिखाती हूँ मैं भी कि नीलमणि की मैया क्या कर सकती है। लल्ला के शत्रु का पीछा इतनी आसानी से थोड़े ही छोड़ेगा। द्वार खोलिए। ताई जी, महाराज तनिक व्यस्त है अभी पिटने में। ये ध्वनियाँ कैसी है? श्रीधर महाराज, श्रीधर महाराज, द्वार खोलिए। कुछ देर तो रुको, आम तो खा लो। अरे तुम सब समझ ना रही, मुझे कछु ठीक ना लग रहा है। मेरी छठी इंद्री भी संकेत दे रही है, मैं घर जा रही हूँ अपने लल्ला के। भाभी रुको, भाभी यशोदा, भाभी स्पर्श कर लिए तो अब मैं आपको अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन दूंगा। अरे अरे, देख नहीं पाओगे तो मारोगे कैसे? आंखें खोलने की चेष्टा तो करो। Oh,
प्रभु, मैं मूर्ख जब से यहां आया हूं आपके प्राण लेने का प्रयास कर रहा हूं, और आप मुझे ज्ञान के प्रकाश का आशीर्वाद दे रहे हैं। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु, आपकी लीला अपरंपार। अब आप आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके हैं श्रीधर। मेरी इच्छा है कि आप इस ज्ञान का प्रयोग समाज के कल्याण के लिए करें। स्वस्मय स्वल्पम समाजाय सर्वस्व, अर्थात अपने लिए केवल आवश्यकता के अनुसार, शेष सब समाज के लिए। तुम ठीक तो है ना लल्ला? आज तक अपने लल्ला को अपने से दूर ना करो मैंने। आज पहली बार आप पर विश्वास करके गोपियों के साथ गई थी। आदर से पूछ रही हूं महाराज, सत्य बताओ क्या कर रहे थे आप? आपने सुनी भैया यशोदा ने क्या कही? कि वो आज पहली बार लल्ला को छोड़कर इस भवन से बाहर गई और जे है गयो। यदि उसे पता चलेगा कि ये पाखंडी बाबा यहां क्यों आयो है और उसके लल्ला के प्राण संकट में हैं, तो फिर कभी वो इस भवन के बाहर पग न धरेगी। मैं समझता हूं नंद, पर इसने यदि स्वयं ही सब मान लियो तो? दोनों की चिंता उचित है। कितनी कठिनाई से मैया पूतना की घटना भूल पाई थी। इतना तो मैं समझ गई हूँ, जो आप दिखते हो वो आप हो ना। सत्य बताओ, कौन हो आप और आपका उद्देश्य क्या था? ये क्या बताएंगे, मैं बताती हूँ। चोरी करने आए थे यहाँ, नीलमणि की माला चुरा रहे थे। मैंने पकड़ लिया तो बहाना बनाने लगे। अवश्य ही और अधिक मूल्यवान वस्तुएं और आभूषणों को चुराने के लोभ में इन्होंने मुझे भीतर बंद कर दिया और बाहर पूरा भवन उथल पुथल कर दिया। ये सत्य कह रही है? रुक जाइए श्रीधर, मैया को मेरा सत्य मत बताइएगा। एक कैसी लीला है प्रभु, आपका आदेश है कि मैं सत्य नहीं बोल सकता। अरे आपका दिया सद्ज्ञान पाकर अब मैं झूठ भी तो नहीं बोल सकता। मौन धारण करना हो या स्वर उठाना हो, कार्य परिस्थिति के अनुसार ही करना चाहिए। वैसे आप यहाँ चुराने ही तो आए थे मेरे प्राण। मौन क्यों हो गए बताओ? जी सत्य है, आप चोरी करने आए थे।
हमें पता है किसने भेजो है तुम्हें। हो सके तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा नंदराज। आप यहां से जीवित इसलिए लौट कर जा पा रहे हैं क्योंकि मैं हिंसा का विरोधी हूं और मैं नहीं चाहता कि यशोदा को पता चले कि उसके लल्ला के प्राण बड़े संकट में। पर अब ध्यान रहे महाराज कि आप लल्ला के तो क्या गोकुल के भी निकट दिखाई दिए तो मैं वो कर बैठूंगा जो मैंने आज तक ना किया। मैं क्षमा प्रार्थी हूं महाराज। नारायण आपका कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने हमारे नीलमणि की रक्षा की। परंतु क्या होगा? हाँ मुझे बताओ तो सही। कुछ तो अवश्य है जो आप छुपा रहे हो। आपको इससे पूर्व कभी ऐसी चिंता और क्रोध में तो ना देखो है मैंने। मुझे बताओ तो क्या बात है जो आपको ऐसे भीतर ही भीतर खाए जा रही है। जो भी है मैं संभाल लूंगा। बात को समझो यशोदा, मैं तुम्हें ना बता सकता। आप अपनी पत्नी को भी ना बता सकते? मैं अर्धांगिनी हूं आपकी, मुझसे तो साझा करो। हो सकता है आपका दुख चिंता आपकी पीड़ा बांट पाऊं मैं। बताओ तो क्या हुआ है। सब बात तुम्हें बताऊं जो आवश्यक ना है यशोदा। यशोदा जब पति अपने मन का रहस्य अपनी पत्नी से भी साझा ना कर सके तो उनके एक दूसरे से बात करने का लाभ है क्या? ये तो गड़बड़ हो गई। सूखी रोटी और माखन। जो अपनी पत्नी को पूरी बात ना बताते उन्हें 56 भोग ना मिलता भोजन में। रानी भाभी आ जाओ। रानी भाभी ज्योति जी के यहाँ से कोई आया था और जी मुझे कंठक दे के चलोगे। दे दो। नारायण भली करे। कंठक किस लिए? तुझ पर इतने संकट आ रहे हैं ना लल्ला, इसीलिए ज्योतिषी जी से कह के ये यंत्र वाला कंठक मंगवाओ है तेरे लिए। अब किसी और को तो तेरी चिंता है ना? बस क्या बतानो है क्या छुपानो है यही चिंता रह गई है। सुधा चिंता मुझे भी, तभी तो बता ना पा रो कि हमारे लल्ला पर आने वाले संकटों के पीछे कोई और ना स्वयं कंस। कम से कम मुझे बता तो देती ज्योतिषी से परामर्श ले रही हो। मैं ले चलता तुम्हें। सुन रहे लल्ला,
इस संसार में सारा अपराध स्त्री का ही होता है। बात अपराध की ना है यशोदा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि मुझे अगर ये बात बताई होती जान तो... मुझके ना बताई। तनिक आपको भी तो पता चले अपनों से कछु छुपाने पर कैसा लगता है। युद्ध तो घमासान होता जा रहा है। इसी कारण बस यदि मैंने कछु ना बताया तुमको तो क्या तुम उसका प्रतिशोध लोगी मुझसे। हे नारायण, ये क्या कहना चाहते हैं? क्या इतनी कठोर हूँ मैं? लल्ला के लिए एक छोटा सा निर्णय तो लियो मैंने। अपने लल्ला पर क्या इतना भी अधिकार ना है मेरा? अब क्या हर बात पर अनुमति लेनी पड़ेगी मुझे? इससे पहले कि ये आंसुओं की वर्षा क्रोध की आंधी में बदल जाए, मुझे ही कुछ करना होगा। मेरे कहने का अर्थ यशोदा, बात तो सुनो। सुनने को बचो क्या है अब? आप बस कृपा करके मुझे उन सभी बातों की सूची दे दो जिन जिन के लिए मुझे आपसे आज्ञा लेनी है। उठना बैठना खाना पीना सब आपसे पूछ कर ही करूंगी अब। अरे आप बोलो तो क्या हुआ? देखो आपने, लल्ला ने अपनी पहली करवट ले ली। लल्ला शीघ्रता से करवट ले ले, चल। सब ऐसे देख रही हैं जैसे नटनटी का खेल देखने आई हूँ। जे किसे की ना सुनेगो, बस मेरी मानेगो। चल लल्ला पलट के दिखा। इतना अहंकार, अब तो बिल्कुल नहीं लूंगा करवट।